हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में, एक ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वायरल हो रही है। काफ़ी लोगों को के पास ये जानकारी पहुंच रही है कि वो है मोबाइल नंबर्स के बारे में। आपके मोबाइल नंबर जो आप जानते हैं कि आपके मोबाइल नंबर अभी 10 अंकों के होते हैं, 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर होते हैं नॉर्मली, और 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर हैं इसके बारे में कोई सूचना जारी की गई है कि अब ये 13 डिजिट के होने वाले हैं, यानी कि आपके नंबर अब 13 डिजिट में कन्वर्ट होंगे और जो नए नंबर होंगे वो 13 डिजिट में जारी किए जाएंगे। इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, इस तरह की जानकारियाँ वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर और कई जगहों पर। तो क्या ये सही है, इसके बारे में मैं आज को आपको बताऊंगा कि क्या है इसका एक्चुअली इसके पीछे कारण। जो जानकारी जारी की गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी कि डॉट के द्वारा जारी की गई है। उसने एक ऑर्डर निकाला है कि जी हाँ, कुछ जो सिम हैं उनके नंबर्स अब 13 डिजिट के किए जाएंगे। 10 डिजिट के जो मोबाइल नंबर्स थे उनको 13 डिजिट का किया जाएगा, या आगे जो सिम जारी की जाएंगी वो 13 डिजिट की जाएंगी। ये खबर सही है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो खबर है वो नॉर्मल जो मोबाइल नंबर्स हैं यानी कि आप और मैं जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, जो सिम यूज़ करते हैं, उनके लिए नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हम जैसे नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये जो ऑर्डर है वो नहीं है। ये जो ऑर्डर जारी किया गया है डॉट के द्वारा वो किया गया है M2M जो मशीन्स होती हैं, M2M मशीन्स में जहाँ पर सिम लगाई जाती है, कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं। ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। M2M मशीन्स कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि आप जो POS मशीन यूज़ करते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और अपना कार्ड स्वाइप करके अपना पेमेंट करते हैं उस मशीन में, तो वो एक तरह की मशीन होती है। इसी तरह से और भी ऐसी कई मशीन आती हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, या कई कई तरह के राउटर्स होते हैं जिनमें सिम लगाई जाती है इंटरनेट के लिए, 4G राउटर्स होते हैं। तो ऐसी कई तरह की मशीन होती हैं, M2M जो मशीन टू मशीन इनको कहा जाता है, M2M का मतलब वही है। तो इन तरह की मशीन में जो सिम लगाई जाती है उनमें भी सिम का काम होता है और सिम के ज़रिए कम्युनिकेशन किया जाता है, डेटा लिया जाता है, एक तरह से सिम का उपयोग होता है उन मशीन्स में। तो उनके लिए जो सिम जारी की जाएंगी वो 13 डिजिट के नंबर होने चाहिए उनमें, या आगे जो जारी की जाएंगी, ऐसा आदेश डॉट के द्वारा निकाला गया है। और ये भी संभव है कि उनके जो नंबर अभी 10 डिजिट के यूज़ हो रहे थे उन मशीनों में, उनको भी 13 डिजिट का किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से ये परिवर्तन होने जा रहा है। तो जो भी न्यूज़ निकल के आ रही थी नॉर्मल यूज़र्स के लिए, आप और मैं, काफ़ी लोग ये सुनने में आ रहा था कि 13 डिजिट के नंबर होने वाले हैं, तो काफ़ी लोग परेशान हैरान थे क्या क्या बदलाव होंगे, तो ये नहीं है नॉर्मल यूज़र्स के लिए, हमारे जैसे यूज़र्स के लिए, आपके जैसे यूज़र्स के लिए नहीं है। ये M2M मशीन्स के लिए ही स्पेशली ऑर्डर जारी किया गया है, ये बात कन्फर्म की गई है। इसको कई लोगों ने गलत तरह से समझ लिया है, इसलिए ये जानकारी फैलाई जा रही है या वायरल हो रही है कि 13 डिजिट के नंबर होने वाले हैं और उसकी वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हमको करने होंगे अपने मोबाइल को लेकर और नंबर्स को लेकर। तो ऐसा नहीं है, ये कन्फर्म हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने, देश के जाने माने अखबार ने इसके बारे में जानकारी दी है और भी कई न्यूज़पेपर्स में इसकी सही इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो जो नंबर हैं आपके 10 डिजिट के रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस खबर पर आप विश्वास ना करें, करें लेकिन सिर्फ ये M2M मशीन्स के लिए 13 डिजिट के नंबर होने जा रहे हैं 1 जुलाई 2018 से। तो यही न्यूज़ थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दीजिए इसको, शेयर कर दीजिए औरों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए।